हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर दो वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, दो ऐसे आईटी स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे खासे पैसे आपके बनते हुए नजर आएंगे। नजर रखिए, ये जो गिरावट थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ से एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई देगी, एज वेल एज यहाँ पर एक मार्केट से रिलेटेड और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पर बनाया, तो इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो देखने का ये देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज खुद की स्टडी आपको करनी है। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें। सीखेंगे तो पैसा अपने आप लॉन्ग लास्ट लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हम बात करें, ये पर्टिकुलर नंबर है, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले आपको वीडियो मिले और यहाँ वीडियो का आनंद ले सके। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए और जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम जितना आप सपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए आती रहेगी। अब बात करते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या करने जा रहा है और डिक्सन टेक्नोलॉजी में ये शेयर आपको और ज्यादा गिरावट यहाँ पर दिखा सकता है। और यहाँ पर ऑपरेटर का भी एक अगर हम बात करें एक चाल आज होती हुई दिखाई दी है। तो आइए वीडियो की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं, जानते हैं इस पर्टिकुलर सारी की सारी चीजों से रिलेटेड। बिफोर दैट आगे बढ़े, आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ क्यों ये पर्टिकुलर चीजें यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है और इसके टारगेट जो मैंने आपको थंबनेल में बताया वो अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कोई हम जब भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले कंपनी के बारे में डेफिनेटली पता करते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी है क्या, कंपनी करती क्या है और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सो दैट हमें पता चल जाए कि जो ये गिरावट है इट इज टेम्परेली और ये इट इज और या फिर ये थोड़ी टेम्परेरी के बाद ये भागती हुई दिखाई देगी या परमानेंट है, ये हमें एक पता चलती हुई नजर आएगा। तो हमें पता चले तो कंपनी यहाँ पर हम देखें तो लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में काम करती हुई नजर आती है। कंपनी काफी बेहतरीन है और हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, मोबाइल फोन्स एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड सिक्योरिटीज अक्रॉस द ग्लोब अलोंग विद रिपेयरिंग एंड रीइंबर्समेंट सर्विसेज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सेट टॉप बॉक्स, मोबाइल फोन्स एंड एलईडी टीवी पैनल्स ये बनाते हुए दिखाई देती है। क्या करती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है ये कंपनी। तो यहाँ पर हम देखें अलग अलग कंपनीज के लिए एलईडी टीवी बनाती है, किसी के लिए फोन बनाती है, किसी के लिए लाइट बनाती है, अलग अलग चीजें ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती हुई रहती है। सेटअप बॉक्स बनाती है, इसके लिए इसने एयरटेल के साथ यहाँ पर टाई अप्स कर रखा है। फोन की बात करें तो जो MI के फोन होते हैं एज वेल एज एप्पल के फोन और सैमसंग के फोन यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है। एप्पल की आई थिंक नहीं बनाती है, और बनाती है तो आई एम नॉट सो अवेयर अबाउट दिस, बट स्टिल सैमसंग और MI को बनाती है। और यहाँ पर अलग 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 कंपनी के लिए लाइटिंग बनाती हुई दिखाई देती है। तो कंपनी काफी बेहतरीन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी अलग अलग चीजें जैसे कि यहाँ पर अभी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये आइटम्स बनाते हैं, सेटअप बॉक्स, कंज्यूमर गुड्स, होम अप्लायंसेस मतलब वॉशिंग मशीन, लाइटिंग से रिलेटेड ये कंपनी, मोबाइल फोन से रिलेटेड। यहाँ पर आप जाएंगे ना तो आपको सब कुछ पता चलेगी किस किस ब्रांड के लिए फोन बनाते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैमरेज में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर कंपनी का नजर आता है। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइए और सब चीज यहाँ पर देखिए तो आपको एक चीज यहाँ पर पता चलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के यहाँ पर आ जाते हुए दिखाई दिए रिजल्ट यहाँ पर ये जो दिसंबर के क्वार्टर के वो देख सकते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करके इसे पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिजल्ट से रिलेटेड, यहाँ पर आपके रिजल्ट ओके, यहाँ पर कंसोलिडेटेड और दोनों के दोनों रिजल्ट देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट, स्टैंड अलोन नंबर दे रखे यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 और आ जाते हुए दिखाई दिए। इन लैक्स में ये सारे के सारे रिजल्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हैं, ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है Q2 के और ये Q3 के ही रिजल्ट है बट लास्ट ईयर के रिजल्ट है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर 208,951 लैक्स इन रुपीज का रेवेन्यू हुआ है, इससे पहले 219,000 था, इससे पहले 189,693 था। तो अगर आप ईयरली बेसिस पे काउंट करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर स्लाइटली या फिर कह सकते हैं 11,000 करोड़ रुपीज के आसपास, 11,000 लाख रुपीज के आसपास की यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पर इसी वजह से टोटल इनकम देखें तो ईयरली बेसिस पे ज्यादा है बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर
गिरावट है, बट अच्छी बात है कि ईयरली बेसिस पे एटलीस्ट यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर पता चलेगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है वो कितना है, 1,98,000 ओके 613, एज वेल एज बात करें 1,98,482 यहाँ पर लास्ट टाइम था, 1,70,000 इससे पहले था। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज समझ में आ रही है कि कंपनी का यहाँ पर 2,09,011 का यहाँ पर रेवेन्यू हुआ, और इसमें से कैपिटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब मटेरियल में ही उसमें कितना पैसा लग गया, 1,98,000, लगभग 99% पैसा इनका इसी चीज में लगता हुआ दिखाई दिया। इस वजह से अगर हम देखें एक्सपेंसेस इनके ज्यादा होते हुए दिखाई दिए, और जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इनके फर्क पड़ेगा किस चीज में, यहाँ पर प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग प्रॉफिट ये एक्सेप्ट यहाँ पर बिफोर टैक्स दे रखा है, तो यहाँ पर सीधे नेट प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगी 3,533 यहाँ पर लैक्स इन रुपीज का प्रॉफिट है। इससे पहले 6,62,37 लैक्स इन रुपीज रहे थे, 5,729। तो बात करें 35 लाख करोड़ का प्रॉफिट इस बार का है, इससे पहले 62 करोड़ का था, इससे पहले 57। तो ईयरली और क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिजल्ट बेकार आए हैं, जिस वजह से आज यहाँ पर शेयर गिरा, गिरने के बाद यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। बट यहाँ पर एक ट्रैप है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट जब मंडे को ओपन होगी या कुछ दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ नजर आएगा। और उसके पीछे का रीजन क्या है, यही कि यहाँ पर ईपीएस देखिए 6 रुपए, इससे पहले 10 था, इससे पहले 9। तो कंपनी के रिजल्ट क्या आया है, बेकार आया है। तो अगर हम यहाँ पर जान लेते हैं कंपनी क्या बेकार है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। मार्केट कैप की बात करें, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है, 35% का डेट है। पी की बात करें, 152 का पी है। तो कंपनी का शेयर काफी ज्यादा महंगा यहाँ पर दिखाई देता है, तो 152 का पी। तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स दिए कंपनी। पहले कंपनी का शेयर पहले 2,000 से यहाँ पर 20,000 गया, 20,000 के बाद 3,400 पे यहाँ पर आने के बाद दोबारा यहाँ पर 6,000 गया, अब अगेन 4,200 पे चल रहा है। बट अब शेयर यहाँ पर शायद 3,000 रुपए पे आपको देखने को मिल सकता है कुछ दिन के अंदर अंदर। क्यों, यहाँ पर चार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। सेल्स की बात करें, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, दिस इज अ गुड थिंग। बट यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस है साइमल्टेनियसली यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर देखिए 92% जो कॉस्ट है यहाँ पर, 92% सॉरी 99 कोला बोला तो मैंने, 92% यहाँ पर केवल मटेरियल कंज्यूम में ही लग गया है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर कैश की बात कर, यहाँ पर अदर इनकम कुछ खास है नहीं। नेट प्रॉफिट देखे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, बट यहाँ पर अभी देखे तो यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर प्रॉफिट कम है, ईयरली बेसिस पे कंपनी ग्रोथ अच्छी खासी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनी कभी घाटा कर रही थी यहाँ पर प्रॉफिट लगातार कर रही है, और यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, और बोरिंग यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ती हुई नजर आ रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में 137 करोड़ रुपीज है। जब ये यहाँ पर एड होंगे फिक्स एसेट में तो याद रखिए दोबारा यहाँ पर इनको कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कैश भी 176 करोड़ का है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। आरओसी यहाँ पर देखे तो कंपनी का आरओसी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ी सी यहाँ पर स्लाइटली कम होती हुई दिखाई दी है, और लगातार अगर हम देखे तो कुछ यहाँ पर कुछ क्वार्टर से लगातार यहाँ पर सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए 38 थी, 38 के 38.93 थी, 92 करी, 89 करी, फिर 37 पे आ गई, 36 पे आई, फिर 35 पे आई, अभी 34 पे चल रही है। धीरे धीरे प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। एफआईआई की होल्डिंग की बात करें वो लगातार बढ़ रही है, अभी भी बढ़ी है इस क्वार्टर में। टीआई की बात करें वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 39% की हिस्सेदारी है, मतलब पब्लिक से पहले हिस्सेदारी ली जा रही थी, सॉरी लगातार यहाँ पर हिस्सेदारी बेची, फिर यहाँ पर पब्लिक की बढ़ी, और फिर यहाँ पर देखे दोबारा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है लगातार। तो यहाँ पर देखे 39% की हिस्सेदारी, 40% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, उसमें से भी बड़े बड़े नाम कुछ यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अगर यहाँ पर 20% यहाँ पर निकाल देते हैं तो लगभग लगभग फिर भी 20% की हिस्सेदारी यहाँ पर दिखाई देती है पब्लिक के पास। अब चार्ट पे आते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर शेयर आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद शेयर यहाँ पर गया, गिरने के बाद शेयर को दोबारा पंप किया गया। ओके, ये ऑपरेटर का काम होता है, याद रखिए। ये शेयर को पंप किया गया, पंप करने के बाद यहाँ पर शेयर को दोबारा यहाँ पर बेचा गया, और यहाँ पर अब
क्या होगा कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ये शेयर फिर गिराया जाएगा। अगर किसी ने यहाँ पर ही पोजीशन ली है तो वो यहाँ पर काट सकता है, और काटने के बाद ये शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और कहाँ तक ये गिर सकते हैं उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो गिरावट हुई है, ओके, जो रिजल्ट बेकार है, जस्ट बिकॉज ऑफ मटेरियल। मटेरियल कभी भी कम भी हो सकता है, अभी महंगाई चल रही है तो शायद महंगाई की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, हर एक कंपनी पे पड़ रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म यहाँ पर इनका वो रहेगा प्रॉब्लम, और यहाँ पर इसका पी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर अब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इस शेयर को और ज्यादा गिरने की। अगर ये शेयर यहाँ पर गिरता है तो मुझे क्या लगता है, वो सेलेटी बात कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला लेवल यहाँ पर नजर आता है 38-39 का, ओके, 38-39 के आसपास का जो ये लेवल है, ओके, वो 30-800 कह लीजिए। यहाँ पर एक लेवल नजर आता है जो कि यहाँ पर आपको कल परसों में ही आता हुआ दिखाई दे सकता है, सॉरी मंडे को, और उसके बाद जो गिरावट होगी, ओके, वो एक गिरावट इस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ तक लेके जाएगी 3300 तक। यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट मुझे नजर आता है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा था। 33-38 एक अच्छा है, यहाँ से बाय ऑन डिप्स करना शुरू कर सकते हैं आप। और शेयर अगर थोड़ा सा और गिरने पे आता है तो शेयर यहाँ पर आपको दोबारा 2700 पे मिल सकता है। तो एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक राउंडिंग यहाँ पर इस तरीके से बनाते के दिख रही है, और ये थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और ले जाके यहाँ पर डंप कर सकते हैं। तो 3 महीने के अंदर अंदर शेयर में गिरावट हो सकती है, और इसे खरीदने का मौका कब है, इसे खरीदने का मौका होगा जब इसके Q4 के रिजल्ट आएंगे, उससे 1 से 1.5 महीने पहले। तो 1 महीने 1.5 महीने तक इस पर्टिकुलर काउंटर को टच करने की कोशिश ना करें, ओके, इसमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, और गिरावट के बाद ये शेयर यहाँ पर आ सकता है। और जब ये यहाँ पर आके मिले तो ये याद रखिएगा, ये जो इनकी एक्सपेंसेस है, ये जो रिजल्ट बेकार आया है, इट इज जस्ट फॉर अ फ्यू टाइम, ओके, थोड़े से टाइम के लिए दोबारा यहाँ पर शेयर भागते हुए दिखाई देगा। ग्रोथ इंटैक्ट है, कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, और इस तरीके की कंपनी यहाँ पर मल्टी बैगर बनती हुई नजर आती है, जो कि ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है, बट अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्टर्स के बनते हुए नजर आते हैं। बट राइट टाइम पे एंट्री लेना वो बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर राइट टाइम पे एंट्री लेना ही एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर थोड़ी बहुत जंप होती है तो याद रखिएगा, यहाँ पर फंसने की कोशिश मत करिएगा, वेट एंड वॉच करिएगा, 1-1.5 महीने के बाद यहाँ पर एंट्री लेने की सोचिएगा। तो ये मेरा यहाँ पर आपको नजरिया है ये पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। नीचे आता है तो बाय एंड डिप्स करने की बिल्कुल भी हिचकी मत, और यहाँ पर ऊपर जाता है तो ट्रैप होने की कोशिश मत करिएगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सब चीज आपको रिजल्ट समझा दिया, यहाँ पर चार्ट को बता दिया कि कितना गिर सकता है और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट फॉरएवर को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ये पर्टिकुलर नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।